दोस्तों, जब हम कंपोनेंट को चेकिंग करते हैं तो मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ती है हम लोग को। मेरा मल्टीमीटर का देखिए चेकिंग कर रहा हूँ, देखिए इस तरह लोग का कितना ज़रूरी है मल्टीमीटर, जो कि डिजिटल मल्टीमीटर हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते समय कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ कंपोनेंट ऐसा होता है, ख़राब होता है, जो कि हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। वहाँ पर हम लोग मल्टीमीटर पता लगाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं अभी टेस्टर से देखिए चेकिंग कर रहा था एसी वोल्टेज को। तो यहाँ पर चेकिंग करके मैं मल्टीमीटर से चेकिंग करूँगा, अभी चेकिंग करके अभी पता लगाऊंगा कि मैं चेकिंग कर रहा था तब भी मल्टीमीटर कुछ गड़बड़ शो कर रहा था। जो वोल्टेज चेकिंग कर रहा था मैं जब, तो वहाँ पर वोल्टेज का प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो सही जानकारी नहीं मिल रहा अभी कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने दोबारा एसी में लगाया मैंने, और दिखा रहा हूँ देखिए मल्टीमीटर का जो रीडिंग होता है वहाँ पर, देखिए डिस्प्ले पे वहाँ पर देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, देखिए दिखा रहा नहीं है मेरा कहने का मतलब। तो देखिए फिर लगा दिखा रहा हूँ, देखिए तो वहाँ पर वोल्टेज का प्रॉब्लम दिखा रहा था। मैंने दिखा रहा हूँ देखिए मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा, कभी कभी रीडिंग दिखा रहा है, कभी कभी नंबर दिखा रहा है, कभी चला जा रहा है, ठीक से नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया इस मल्टीमीटर को। और इसमें देखिए वोल्टेज का जो आउटपुट होता है, एलईडी लाइट का जो आउटपुट होता है, वहाँ पर मैंने देखा, देखने के बाद ये वोल्टेज डिस्प्ले कुछ ठीक से नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा था। मैंने इसको मैं खोल रहा हूँ, मैं जैसे से खोल रहा हूँ दिए मल्टीमीटर को, मैं खोल रहा हूँ, पूरी तरह खोल दिया मैंने यहाँ पर। और मैं कैमरा को सामने की तरफ दिखा रहा हूँ आपको, दिए सामने की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है चेकिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इस कैपेसिटर को थोड़ा देखूँगा, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर ख़राब है यहाँ पर, और इस कैपेसिटर फटा हुआ है। तो मुझे पता लग गया है कि ये जो कैपेसिटर के ख़राब होने के कारण मुझे एसी वोल्टेज ठीक से शो नहीं कर रहा था वोल्टेज यहाँ पर, तो डिस्प्ले पर नंबर उल्टा पुल्टा दिखा रहा था यहाँ पर, ये कैपेसिटर के कारण ये वोल्टेज ठीक से काउंट नहीं कर रहा था यहाँ पर। तो दोस्तों, मुझे पता लग गया कि ये कैपेसिटर ख़राब है यहाँ पर। तो आप भी इस तरह पता लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, मेरा तो ये कैपेसिटर ख़राब था इसीलिए मुझे पता लग गया। तो डिस्प्ले पर मुझे ठीक से नंबर शो नहीं करा था यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह कुछ मल्टीमीटर में ख़राब होगा तो आप दूसरा मल्टीमीटर से चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है मल्टीमीटर ख़राब होने से। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे इस पता लग गया क्योंकि डिस्प्ले पर मुझे क्या जो नंबर आ रहा था उल्टा पुल्टा आ रहा था, क्योंकि और शेप बल्ब का दिए ये देखिए पी एफ जो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक करने के लिए। तो शेप बल्ब का जो बोर्ड होता है, पावर बोर्ड से सर्किट होता है वहाँ पर, ये 104/400 वोल्ट का जो पी एफ होता है वहाँ पर लगा हुआ रहता है। देखिए मेरे पास नया पी एफ है यहाँ पर, 104J और 400 वोल्ट का, तो मैं इसको लगाऊंगा मल्टीमीटर में। तो आपको भी इस तरह कुछ फॉल्ट मिलता है तो आपको मेरे जो आपको बताया सी एल पी एल का जो ड्राइवर होता है यहाँ पर, तो आपको चेकिंग करके पी एफ को लगाना है। पी एफ ठीक है तो आपको लगाना पड़ेगा, वहाँ पर जो मल्टीमीटर में ख़राब हुआ है पी एफ वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सही से चेकिंग करके लगाना है आपको। और जो और एक बात बताऊंगा, जो देखिए यहाँ पर जो पी एफ लगा हुआ है 10 10F और 104J लगा हुआ है, इस तरह जो पी एफ लगा हुआ है तो मेरे पास नहीं है 10F और 104J, तो मैं इसको लगाऊंगा अभी। तो यहाँ पर जितने की लगा हुआ है पी एफ उतना लगाना सही रहे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के लिए दोस्तों।